हरिदास ठाकुर की हरिदाम प्रभु की राधा कृष्ण भगवान की सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। महाराज ध्रुव महाराज के चरित्र के विषय में हम चर्चा करेंगे कि ध्रुव महाराज कितने परम पवित्र जीवन जिए और बचपन से ही उनका जीवन भक्तिमय था। और यहाँ पर भी काफी सारे बच्चे आते हैं जो बचपन से अपना भविष्य शुभ उज्जवल और पवित्र बना रहे हैं। ध्रुव महाराज उनकी माता का नाम था सुनीति और ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे। उनको पति नाम था सुनीति और सुरुचि। सुनीति उनकी पहली पत्नी थी और उन्होंने जब विवाह किया तो उनको एक भी संतान नहीं थी और रानी ने ही कहा था कि आप दूसरा विवाह कीजिए और रानी के कहने पर राजा ने दूसरा विवाह किया और उस पत्नी का नाम
था सुरुचि। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुरुचि उसे कहते हैं कि जो अपनी रुचि के अनुसार जीवन जिए, सुरुचि कहते हैं। और सुनिधि से नीति अनुसार जीवन जिए। तो शास्त्र ये बताता है कि संसार में हर एक व्यक्ति को नीति अनुसार जीवन जीना चाहिए। नीति अर्थात वेदों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। आज वर्तमान समय में जितने भी जीवात्मा जीवन जी रहे हैं, सुरुचि के अनुसार जीवन जी रहे हैं। जीवन जी रहे, मुझे ऐसा है कि ऐसे जीवन जीना चाहिए, लेकिन हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारे मन के अनुसार कभी भी जीवन नहीं जीना चाहिए। हमेशा भगवान के आदेश अनुसार, गुरु के आदेश अनुसार और वेदों के आदेश अनुसार, और हम जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं उस परंपरा के आदेश अनुसार अगर हम जीवन जिएंगे ना, तो गारंटी है कि इस संसार का कोई भी जीव हमको दुख नहीं दे सकता। इसलिए हमारे मन में जितने भी संशय है, उन संशयों को त्याग करके हमें एकमात्र भगवान की शरण लेनी है। और भगवान की शरण जब हम लेंगे तो निश्चित भगवान हम पर कृपा करेंगे। अब तक हमारे जीवन में हमने भगवान की शरण नहीं ली है, इसलिए भगवान की कृपा हम पर नहीं हो रही है। हम संसार में भटक रहे हैं, ये मिल जाए, ये भी जाए, लेकिन भगवान बाद में आना, अभी नहीं। यहाँ पे थोड़ा सेटलमेंट हो जाए, लोन भर लो, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ पर पूरा एडजस्ट हो जाएगा, फिर मैं आपका भजन करूंगा। थोड़ा बहुत भजन करेंगे, थोड़ा बहुत संसार में रुचि है, 24 घंटा मिला है, लेकिन 24 घंटे में ज्यादातर समय हमारा इस नश्वर शरीर को सुखी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमको सब पता है कि हम सब मरने वाले हैं और हमारी डेथ होने वाली है, और जो भी हमने बसाया है, जो भी इकट्ठा किया है, वो भी क्या होगा, एक दिन नाश हो जाएगा, सर्वनाश विनाश हो जाएगा। इसलिए हमेशा नीति अनुसार जीवन जीना चाहिए। मेरे जीवन में, मेरे इस आज के दिन में ऐसा कोई भी कर्म न हो जिससे कोई जीवात्मा को दुख मिले। तो दुख, सुरुचि और सुनीति, ये दो पत्नियां थी। और जैसे ही सुरुचि विवाह करके जब अपने महल में आए सब लोग, तो सुरुचि ने कहा कि ये कौन है घर में जो है। तब राजा ने कहा, ये आपकी बड़ी बहन, मेरी पुरानी पत्नी, जिसका नाम है सुनीति। तो राजा, मैंने तो अभी घर में कदम नहीं रखा है, मुझे तो पता ही नहीं था, तो आप बता दो कि घर में ये रहेगी कि मैं रहूं। तो राजा के बिना बताए सुनीति अपना घर छोड़कर जंगल में चली गई। और रानी ने यह भी कहा था कि उनको खाने पीने की कोई भी व्यवस्था न हो, अगर आपको मुझे रखना है तो। तो राजा इस प्रकार से पत्नी के वश में होकर सुनीति को एक भी चीज नहीं दी, और सुनीति जंगल में रहकर लकड़े काट काट के इकट्ठा करके वो बेचकर उसका गुजारा कर रही थी। इस प्रकार से राजा एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए, और जंगल में उन्होंने सोचा कि यहाँ पर मेरी पत्नी रहती है, कैसी स्थिति होगी, लाओ जाकर देखता हूँ। तो बहुत ही बुरी हालत में शास्त्र कहते हैं कि जो नौकरानी है अभी थी, इसलिए शास्त्र कहते हैं होता न एक समान, सब दिन होते हैं, कभी हलवा पूरी मिलता है, कभी भूखा पड़ता है, कभी इसे हर समय समभाव में रहना चाहिए। जीवन में हर काल में क्या होना चाहिए, समभाव में। अभी मैंने बताया था कि दूसरा मास है केवल, बताया था ना आपको इस
पूरे लॉकडाउन में कितने केवल दो ही मास्क। इसलिए कहते हैं कि सब दिन हो तो ना एक समय, ऐसा नहीं कि बहुत सारा चीज मिल रहा है तो उसको यूज कर लो, नहीं, जितना हमारे शरीर में हमको चाहिए उतना ही हमें लेना चाहिए। अगर हम इस प्रकृति से सबसे ज्यादा चीज ले लेते हैं तो हम भगवान के गुनेगार माने जाते हैं। इसलिए कहते हैं जितना हमारे शरीर के लिए चाहिए उतना ही हमें यूज करना चाहिए, भले हमारे पास सब कुछ है लेकिन उस चीज को हमें छूना नहीं चाहिए कि नहीं मेरी चीज नहीं है। इस प्रकार से सुनिधि जंगल में बहुत ही दुख परिस्थिति में रह रही है। राजा वहां पर गए और उन्होंने एक रात वहां पर गुजारी कि मेरी पत्नी कैसे रह रही है, उस दुख का मैं अनुभव करूं। और उस समय कहते हैं कि एक रात वहां पर रह गए तो उनकी जो प्यारी पत्नी को गर्भ हो रहा और उनको संतान की कुछ खबर मिली। तो यहाँ पर सुनिधान की प्राप्ति हुई और सुनिधि को भी हुई। और प्रकृति का कैसा नियम है कि ये रानी महल में थी तो पुत्र नहीं हुआ, जंगल में गई तो पुत्र हुआ। इसका अर्थ यही है कि किसी के जीवन में अगर दुख लिखा है भले वो पैसे वाले घर में जाए लेकिन वहां पर भी उसका क्या हो जाएगा, उसको दुख ही मिलेगा। काफी जगह पर ऐसा देखा जाता है कि कोई सोचता है कि मैं मेरे लड़की का विवाह ऐसे घर में करूं कि बहुत पैसे वाले हो, और उस समय पैसे वाले होते हैं लेकिन जैसे ही वो लड़की विवाह करके वहां पर जाती है तो वो जाती है पूरे कहते ना कि नुकसान आ जाता है, बिजनेस पे सब लूट जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जिसके नसीब में अगर सुख नहीं लिखा है तो उसको जीवन में कभी सुख आने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो भी स्थिति में हम रहते हैं उसी स्थिति में हमारे भजन को बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में ये होता है दुख आता है तो भगवान को बोलते हैं और सुख आता है तो भूल जाते हैं भगवान को। इसलिए भगवान ने सबसे बड़ा दुख दे दिया 1.5 साल में, क्योंकि सब लोग अभी लटक गए, लटकती तलवार दुख भुगत रहे हैं बस। लेकिन उस लटकती तलवार की अगर भगवान का भजन कर लेना तो इस भव सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए इन सारी कथाओं से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ध्रुव महाराज और यहाँ पर सूर्य का पुत्र जिसका नाम था उत्तम, ये दोनों महल में बड़े हुए और बहुत ही सुंदर कथा है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम कहेंगे कि ध्रुव महाराज कहा कि अगर आपको पिता के गोद में बैठना है तो आपको तपसा आराध्य पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करनी होगी। भगवान कहाँ मिलेंगे? तब सुरुचि ने कहा जंगल में मिलेंगे भगवान। सुरुचि का भाव था जंगल में जाएगा और मर जाएगा, लेकिन पंडित चाणक्य नीति में कहते हैं अगर कोई सोने के पत्थर से भी मारे तो हमें किसी को मना नहीं करना चाहिए, वो पत्थर उठाकर ले लेना चाहिए। वैसे ही शास्त्र बताता है कि कोई हमें भले ही कैसे भी द्वेष भाव में भी अगर भगवान के विषय में सुनाते हैं तो उस चीज को हमें ले लेनी चाहिए। और ध्रुव महाराज रोते रोते जंगल में गए अपनी माँ के पास और माँ ने कहा कि हाँ बेटा भगवान तुझे कहाँ मिलेंगे, जंगल में मिलेंगे। 5 साल का 4.5 साल का एक लड़का जंगल में जा रहा है किसको प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। हमारे 10 साल के लड़के को हम दूध लेने को भी नहीं भेजते है, हमारा 10 साल का हमारा लाडक भाई से हमारो दीकरो से क्या खुवाई जैसे, लेकिन 4.5 साल का लड़का वो भी सतयुग में। और कहां पर आपको पता है कि ध्रुव महाराज की राजधानी कहां पर थी, बिठूर कानपुर में, कानपुर कन्नौज वहां पर ध्रुव महाराज की राजधानी थी। राजा उत्तानपाद वहां पर रह के पूरी पृथ्वी का शासन करते थे। तो वहां से लेकर वृंदावन
300 किलोमीटर होता है, 300 किलोमीटर पैदल एक छोटा सा बच्चा, ये भी ऐसा छोटा सा बच्चा जा रहा है पैदल, ना चप्पल है ना कुछ भी नहीं है। हम तो यार वृंदावन जाते तो दो थैला तो खाली भोजन का ले जाएंगे, बताओ खाली 12 घंटे के लिए जाना है, ट्रेन का मुसाफरी 12 घंटे का है, लेकिन सबसे ज्यादा लगे होगा चकरी होगा, शक्करपारा होगा, कल पापड़ी होगी, न जाने क्या क्या सारा सामान भगवान के धाम में हम भगवान की प्राप्ति करने जा रहे हैं। ये ध्रुव महाराज से सीखना है। ध्रुव महाराज जब वहां पर गए तो वहां पर रास्ते में भगवान ने ही नारद ऋषि मुनि को कहा कि तो मुझे प्राप्ति करने के लिए आ रहा है, प्राप्ति करने के लिए जाओ, उसे तुम उपदेश दो कि कैसे प्राप्ति होती है। वैसे ही हम सब ज्ञान दो उनको, हर चीज में आप ऐसा ज्ञान दीजिए कि वो लोग इसी जीवन में मेरे पास आ जाए। अरे तुम्हारी खेलने की उम्र है, अभी तो 4.5 साल के खेलने की उम्र है, जाओ खेलो। भक्ति करनी तो बूढ़ा होके करना। अब ये नारद मुनि ध्रुव महाराज को क्या कहते हैं कि भक्ति कब होनी चाहिए? बुढ़ापे में करनी चाहिए। और प्रहलाद महाराज को क्या कहते हैं? कोमार आचरे प्राज्ञो। अब इसमें रसाबास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि बचपन से भक्ति करनी चाहिए, और नारद मुनि अपने दूसरे शिष्यों को कहते हैं बूढ़े होकर करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्रुव महाराज की परीक्षा ले रहा है कि कच्चा भगत है, काचू माटूस है के पाकूस है, खबर पड़े हमना। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज ने कहा कि देखिए गुरुदेव, अगर आपको मुझे सच्चा उपदेश देना है तो आप दीजिए, नहीं तो आप आपके रास्ते मैं मेरे रास्ते। तब नारद मुनि ने कहा कि चेला पक्का है, निश्चित वो भगवान की प्राप्ति करेगा, हमारे जैसा ही है, टंगड़ मंगल आया राम गया राम। कभी तो ऐसे गुफा में अंदर चले जाते कि 12 महीने में ऐसे। तो हमारा ये स्वभाव ऐसा है कि हम इस संसार में सेटल होने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वैकुंठ में सेटल होने की हमारी इच्छा नहीं है। हमारी कहाँ इच्छा है? जो हमारे सामने दिख रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये सच है, और भगवान का धाम सच्चा होगा कि नहीं हो रहा है। इतने सालों से नाम ले रहा हूँ, इतने सालों से भोग लगा रहा हूँ, खा रहे कि नहीं खा रहे, रोटी एक भी कम नहीं हुई, लेकिन श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, जिसके जीवन में भगवान के प्रति और गुरु के प्रति अगर श्रद्धा और समर्पण भाव है ना, निश्चित वो जीवन में भक्ति के आगे बढ़ जाएगा। भक्ति के कार्य में भक्ति कैसी है? भक्ति कहते हैं कि बहुत विशाल है, और ये भवसागर भी कैसा है? विशाल है, लेकिन इस भवसागर को अगर पार करना है, हमारी शक्ति से हम पार नहीं कर पाएंगे। गुरु शास्त्र और भगवान इन तीनों की शरण लेकर वैष्णव के संग में रहकर अगर हम भजन करेंगे तो इतना बड़ा भवसागर है ना, वो गाय के खोर के समान हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं इतनी भक्ति में इतना आगे कैसे बढ़ गया। इसका कारण गुरु कृपा, भगवान कृपा और वेदों की कृपा है। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो शास्त्र गुरु और भगवान आपको कभी भी कृपा नहीं करेंगे। आपको ये मन में सोचना चाहिए
कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं इतने सालों से भजन कर रहा हूँ, लेकिन नाम के प्रति, धाम के प्रति, भगवान के प्रति, सत्संग के प्रति, वैष्णव के प्रति आज तक शरणागति का भाव नहीं हुआ है। मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ। नाम कमाए, यश कमाए, बस यही। और ये नाश होने वाला है, लेकिन फिर भी उसके पीछे दौड़े हुए। अभी भी अगर हम संभल जाए ना, तो हम आराम से बैठे बैठे भजन कर सकते हैं, है कि नहीं, बताइए। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो बैठे बैठे, अगर कोई ऐसा सोचता है कि खाने के लिए क्या मिलेगा, तो आ जाओ, हमारे हैं पालनपुर में, बहुत बड़ा सेंटर है, बढ़िया, और अभी मंदिर भी होने वाला है, वहां पे रहो और भजन करो, बस कुछ भी नहीं। आपको कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई पैसा कमा कर लेके आओ, बस आओ, आओ भजन करो, सेवा करो ठाकुर जी का, बस कुछ नहीं। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए भी सुविधा हम करके देंगे, आपको रहने की भी वीआईपी सुविधा कर देंगे, लेकिन उस समय कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सबको इस संसार के सड़ेले नश्वर भोग भोगने की इच्छा है, भोग भोगना है, लेकिन भगवान के साथ में रहकर भोग भोगो। संसार में भोग भोग के भगवान को अलग रख के अगर भोग भोगोगे, तो आपको दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। संसार के भोग कैसे हैं? जैसे आप गेहूं बाजरा वो जो मशीन में डालते हैं ना, थ्रेसर देखा है? थ्रेसर जो अनाज, एक बाजू भूसा निकलता है और एक बाजू अनाज निकलता है। तो भगवान के साथ अगर आप रहकर भजन करोगे, तो आज के समान है, और अगर भगवान को छोड़कर आप संसार में भोग भोगना चाहते हो, तो भूसा अनाज का नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान के पैर पकड़कर ही जीवन जीना चाहिए। पहले तो उसमें क्या करते थे, हमारे गाँव में भी था, बहुत बड़ा, तो कहते हैं कि वो घंटी को ऐसा गोल गोल घुमाते हैं और बीच दाना डालते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो बीच में जो कीला होता है ना, कीला लकड़ी, वो कीले को जो आजू बाजू जितने भी गऊ, जो गेहूं चावल कुछ भी है, अगर उसको चिपक के रहे ना, तो उसको कुछ नहीं होता, उसको कुछ नहीं होता है। किले से दूर चले गए, धीरे धीरे आधा घोड़ा लगा, फिर 25% शास्त्र बताते हैं कि जैसे वही भगवान के चरण है, अगर भगवान के चरण को पकड़ के रहेंगे, तो शुरुआत से लेकर एंड तक आपका बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन भगवान के चरण को छोड़कर आप चले जाओगे, तो 25%, 10%, 5% और पाउडर हो गए, सीधे नरक में चले जाएंगे। समझ में आ गई बात? बस यही है कि भगवान के चरण पकड़कर अगर आप जीवन जियोगे, कि जो भी चाहे मान मिले या अपमान मिले, कहते हैं ना कि चाहे मान मिले या अपमान मिले, भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे कुछ भी नहीं, चाहे जीत मिले चाहे हार मिले, भगवान मैं आपको ही समर्पित करूंगा। लेकिन मान मिलता है तो मेरा है, और अपमान, अरे भगवान में आती इतनी मेहनत कर रहा हो, लेकिन मुझे इतना सब लोग कर रहे, बोल रहे, ईर्ष्या कर रहे, कुछ भी हो, चाहे मान मिले या अपमान मिले, रोज शाम को क्या कर देना है, वदियम वस्तु तुभ्यम एव समर्पयेत, कि गुरुदेव भगवान मैंने आज इतनी माला किया, मैंने आज इतना ये कार्य किया, ये सब आपको समर्पित कर रहा हूं, हमें रखना ही नहीं है, मान भी मिले या अपमान मिले, कुछ भी भगवान को दे दो। लेकिन क्या होता है, हम हृदय में लगा देते हैं, मैंने आओ की दो, मैंने काड़ो की दो, मैंने धोड़ो की दो, मैंने आओ की दो, एवं। इसलिए ध्रुव महाराज, नारद मुनि ने कहा चेला पक्का है निश्चित भगवान की प्राप्ति करेगा, इसलिए नारद मुनि ने कहा 3 टाइम यमुना में स्नान करना, और अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, तो आप वृंदावन में जाओ,
क्योंकि वृंदावन परित्यज्यम् पादेकम् न गच्छति। भगवान वृंदावन छोड़कर एक क्षण के लिए भी कभी नहीं जाते हैं। इसलिए इति उक्त परिक्रम्य प्रणम्य च निपार्थक ययो मधुवनम पुण्यम हरे शरण चरितम्। क्या कहते हैं, जब राजपुत्र गुरु महाराज को नारद मुनि ने इस प्रकार उपदेश दिए तो उन्होंने गुरु महाराज नारद मुनि की 3 बार परिक्रमा की। कितना किया? 3 बार प्रदक्षिणा किया, और प्रदक्षिणा करके नमस्कार प्रणाम किया, और तत्पश्चात मधुवन के जहाँ पर लोकेशन दिया था उस लोकेशन में आगे बढ़ गए। बताइए, तो सबसे पहले अगर जीवन में भक्ति के कार्य में आगे बढ़ना है तो गुरु महाराज हमें जो भी देते हैं, जो भी आशीर्वाद है, उन नियमों का पालन करना चाहिए। एक बार तो 10 मिनट के लिए नारद मुनि कितने, आप सबको पता है इतिहास, केवल 10 मिनट के लिए नारद मुनि ने उपदेश दिया था कैसे भजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे आपको भगवान की प्राप्ति होगी, और मंत्र भी दिया। कौन सा? ओम नमो भगवते, ये सत्य का मंत्र है। इसलिए वो यहाँ पर नारद मुनि ने गुरु महाराज को सतयुग का मंत्र दिया। तो एक बार ही मंत्र दिया, एक बार ही उपदेश दिया, और एक बार ही पूरा शेड्यूल बता दिया था कि आपको कैसे भजन करना है, कितने टाइम में क्या करना है। हमको तो 1000 बार बोलते हैं लेकिन फिर भी हमारा नहीं हो रहा है, लेकिन नारद मुनि ने एक बार ही कहा था। पूरे वेद में, पूरे भागवत में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि बार बार फोन करते थे, बेटा उठ जाना जल्दी 4:30 बजे और मंगला आरती करना, माला करना। हमारा तो क्या है, हमने वचन तो दे दिया कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन उसमें से 5% भी होता है, लेकिन फोटो गिरा तो गुरु महाराज के बाजू में ये स्थिति है। अपने पूरा आचरण करो, व्यवहार भी बहुत गुरु ने बताया है उसी प्रकार का जीवन। भोजन करना है, उपवास करना है, ये सब कुछ क्यों बताया? क्योंकि वो हमारे बल्कि हमारे योग्यता के अनुसार पूरा हमें सेवा देते हैं, और वो सेवा हम नहीं कर पाएंगे तो और जन्म लेना पड़ेगा। अब गुरु महाराज परिक्रमा करके आए, तपोवन हम करते हैं धरिष्ठम पूरा मुनि अरहितम करवण और राज्ञा सुखी सुखासीनम उवाचतम। इस प्रकार से ध्रुव महाराज मधुवन में गए, और मधुवन में जाकर 3 टाइम यमुना में स्नान किया। मधुवन वो स्थान आदि है जहां पर ध्रुव महाराज ने रचना किया, और इस प्रकार से केवल एक पैर पर तपस्या किया खड़े रहकर, वो बैठ के भी नहीं कर पा रहे और केवल इस दुनिया का सबसे टॉप लेवल का अगर बिजनेसमैन है तो 6 महीने में सबसे बड़ा धनी हो गया। 6 महीने में इस संसार में कहते हैं ना कि बड़े टॉप लेवल का बिजनेसमैन कौन है, पूरी पृथ्वी में वर्ल्ड में 1 नंबर कौन है बिजनेसमैन इंडिया में? रिलायंस और टाटा बिरला। लेकिन वो 3 पीढ़ियों तक उन्होंने मेहनत किया, लेकिन खाली पूरे भारत के राजा नहीं है, केवल बिजनेसमैन में ही आगे है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु महाराज ने तो 6 महीना तपस्या किया, और 6 महीने का इतना ही जो बिजनेस किया ना, और बिजनेस में ऐसे सफल हो गए कि पूरी पृथ्वी के राजा बन गए। बताइए, 6 महीने ऐसा बिजनेस किया, कौन सा बिजनेस? ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, भगवान का नाम में कितनी महाराज की कथा सीखने को मिल रही है। लोग 3-3, 4-4 महीने तक इतनी मेहनत करते, इतना पढ़ाई लिखाई करते, इतना बिजनेस में मेहनत करते, लेकिन फिर भी भारत के थोड़े हैं, भारत का थोड़ा है, कुछ कुछ व्यक्ति कहते हैं कि वर्ल्ड के 1 नंबर बिजनेस है, पूरा वर्ल्ड उनका है,
अहंकार होता है। 36,000 वर्ष तक राजा बने जब भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने कहा 36,000 वर्ष के बाद मेरा दिव्य विमान आएगा और मैं आपको वैकुंठ की अभिन जितना शक्ति वैकुंठ है ध्रुव लोक है आपको दूंगा। सब लोग बोलेंगे देखो ध्रुव महाराज ने 6 महीना का तपस्या करवाया, ध्रुव महाराज को केवल एक चॉकलेट लेके घर पे भेज दिया। लोग बोलेंगे ना, इसलिए भगवान ने क्या किया कि मैं ऐसा लॉलीपॉप चॉकलेट वाला मैं संसार के लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपको स्वर्ण नहीं दिया, महल तक लोग नहीं दिया, लेकिन वैकुंठ से भिन्न जितना वैकुंठ बड़ा है उतना ही ध्रुव लोक बड़ा है। तो भगवान ने गिफ्ट में दे दिया कि लोग यहाँ पर रहो, यहाँ के आप राजा बनोगे। जितना बड़ा वैकुंठ है उतना ध्रुव लोक, और भगवान ने इस संसार के लोगों को बताया, लॉलीपॉप दिखाया कि देखो ध्रुव ने तपस्या किया तो उसको ये ध्रुव को लोक मैंने गिफ्ट में दिया है। अगर आप भी तपस्या भजन करोगे, संसार में कोई आसक्ति नहीं रखोगे, केवल 25 साल भजन करना है, 20 साल और आपको भी ध्रुव जैसा मैं आपको वैकुंठ में मैंने घर बनाया है और वहां पर मैं आपको सुविधा दूंगा और मैं आपकी सेवा करूंगा। तो यहाँ पर हमको भगवान की सेवा करनी है इस मनुष्य शरीर में, और जब हम हमारी सेवा पूर्ण हो जाएगी तो भगवान हमारी सेवा करेंगे। लेकिन भक्त कभी भगवान से सेवा नहीं लेना चाहता, लेकिन भगवान फिर भी सेवा करते हैं। भगवान कहते हैं मैं मेरे भक्तों का दास हूँ। इसलिए भगवान नरसिंह मेहता के घर पे कितनी बार आए? 52 बार आए। इतने 70-80 साल में 52 बार भगवान प्रकट हो गए, इतने शुद्ध भक्त थे। तो ऐसे भक्तों के जीवन के चरित्र से हमें सीखना चाहिए। यहाँ पर नारद मुनि सबसे पहले ध्रुव को उपदेश देकर उनको तो बिजनेस करने भेज दिया कि जाओ आप भजन करो, लेकिन यहाँ पर उत्तानपाद बहुत दुखी थे। अब क्या करे, क्या करे, मेरा बेटा मैं इतना निर्लज हूँ कि मैं पत्नी के विवश में होकर मेरे बेटे को मैंने कुछ भी नहीं कहा, तो मेरा बेटा जंगल में भूखे मरा होगा, दुखी हो रहा होगा। तब नारद मुनि कहते हैं नारायण रखवाल है जाके जा। हे उत्तानपाद आप चिंता मत करो, आपका पुत्र ध्रुव सुरक्षित है भगवान के सुदर्शन चक्र से। इसलिए कभी भी जीवन में कभी भी किसी की चिंता मत करो, मेरी पत्नी क्या कर रही होगी, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, मेरा परिवार वाले क्या कर रहे होंगे, कोई चिंता किए बगैर केवल आप ठाकुर जी का भजन करो, नाम लो और भगवान को प्रसन्न करो। जीवन में ऐसा कर्म करना चाहिए कि भगवान में ऐसा कौन सा कर्म करो जिससे आपको सुख मिले, आपको आनंद मिले। तो भगवान कहते हैं आपको केवल नाम लो मेरा। अब यहाँ पर सब लोग बैठे हैं और कोई अगर आपका पीछे से कोई नाम बुलाए तो तुरंत आप पीछे देखते हैं कि नहीं, अरे मैंने कौन बुलाया वो है कि नहीं, तुरंत देखेंगे। भले कितना भी ध्यान आपका हो लेकिन आप तुरंत पीछे देखेंगे मुझे किसने बुलाया। एक साधारण संसार का व्यक्ति भी, साधारण व्यक्ति आपको बुलाता है तो आप तुरंत पीछे देखते हैं। तो आप आपकी वाणी से ठाकुर जी को जब बुलाते हैं तो ठाकुर जी आपकी ओर देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर सेंटर है और यहाँ पर पोषण देते हैं छोटे छोटे बच्चों को। तो जैसे ध्रुव महाराज ने 6 महीना भजन करके भगवान की प्राप्ति की, ऐसे हमारे बच्चों को भी यहाँ पर हमको लाना चाहिए। और यहाँ पे आजू बाजू के विस्तार में भी जितने लोग रहते हैं उन सबको यहाँ पर आना चाहिए और छोटे छोटे बच्चों को क्लास देना, कीर्तन कराना, मृदंग सिखाना, करताल सिखाना, मंगलाचरण सिखाना, कैसे प्रसाद लेना, कैसे माला करना, ये सब कुछ यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो हमारे बच्चों को ऐसा शिक्षण पूरी दुनिया में कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आपके फ्रेंड है, मित्र है, उनको आप यहाँ पर बुलाइए, ये छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं। और ज्यादा बच्चे यहाँ पर आए और तो आपको भी भगवान की प्राप्ति होगी। ध्रुव महाराज ने बहुत कठोर तपस्या की थी, हम छोटे लोगों को भी शिक्षा चाहिए, बड़े लोगों को भी चाहिए और बुजुर्ग ने सब लेनी चाहिए।
जीवन में उतारोगे ना तो जीवन में कभी फॉल डाउन नहीं होगा। और वो वाक्य क्या है, प्रतिदिन आपको यही सोचना चाहिए कि मैं आज भक्ति में नया हूं, मैं पहला ही दिन है मेरा, आज मेरा भक्ति में पहला ही दिन है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे मुझे तो 15 साल हो गया, मुझे तो 10 साल हो गया, मुझे तो 5 साल हो गया, इसलिए मैं क्या हूं, सबसे बड़ा। इसलिए ये गुण लेना चाहिए आज से कि मैं आज मेरा भक्ति में पहला दिन है, शुरुआत हो रही है नर्सरी। बस इस प्रकार से अगर हम जीवन जिएंगे ना तो निश्चित आप भक्ति के उच्च लेवल पर पहुंचेंगे। ध्रुव महाराज वन में गए और वन में जाकर उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करके क्या क्या तपस्या किया है तो इसमें बताते हैं। त्रिरात्रांते कपित्थ भद्रासन आत्मवृत्त वृत्त्यनुसारेण मासम नित्येन अर्चयन हरिम। त्रिरात्रांते 3 दिन के बाद केवल हाथ में जितने फल आए, बेर या कोई भी, उतना ही भोजन करते थे और हाथ में जितना पानी आए उतना ही पानी पीते थे। इसलिए कहते हैं कि भजन में अगर आगे बढ़ना है तो ध्रुव जैसा भजन करो। ध्रुव महाराज हर 3 दिन में कितना खाते थे, और हमारा तो दिन में थाल भर के खाते है, बड़ा थाली भर के खाते है, लाओ और लाओ, गुलाब जामुन है तो लाओ, रसगुल्ला है तो लाओ, दाल चावल लाओ, पकोड़ा लाओ, ये मिठाई लाओ, लेकिन उतना भजन नहीं करते है। भोजन करते है लेकिन उतना। आप अगर कोई भी कंपनी में जाते हैं, बाइक लाना है आपको, आपको बाइक लाना है तो आप कौन सा बाइक लेंगे, भाई मुझे ऐसा बाइक दिखाओ ज्यादा पेट्रोल खाए और कम एवरेज दे, ऐसा बाइक मुझे दो, ऐसा कोई सोचेगा नहीं। हम लोग पहले क्या बोलते हैं, भाई ऐसा गाड़ी मुझे दिखाओ कि एवरेज ज्यादा दे और पेट्रोल कम खाए। इसलिए भगवान भी ऐसा ही गाड़ी सोचते है, ये सब हम लोग क्या गाड़ी है, हम गाड़ी के समान है और भगवान देखते हैं कि एवरेज ज्यादा दे, माला सत्संग भजन ये सबसे ज्यादा करे और पेट्रोल कम खाए। लेकिन हमारा पेट्रोल ज्यादा खाते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार, लेकिन उतना भजन नहीं हो रहा है, खा खा के शरीर लंबे नहीं होते लेकिन आड़ा वधे, उभा नहीं वधे पर आड़ा वधे, रिक्शा में ही न आवे, रिक्शा में भी नहीं आते, धक्का मार मार के अंदर लेते। इसलिए कहते हैं भजन ज्यादा और भोजन कम। इसलिए अभी परसों से आ रहा है चतुर्मास, इसलिए सभी लोगों को अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो केवल एक टाइम भोजन करो। इसे आप देखो कि आप आपके जीवन में नींद कम होगी, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, निरोग रहेगा और आप शुद्ध और पवित्र वातावरण में रहोगे। और एक टाइम भोजन करोगे तो एक टाइम शाम को भोजन करने का आपका आधा घंटा या 1 घंटा जो भी है वो बच जाएगा, तो उतना भजन में आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए अगर भजन में अगर आनंद लाना है तो सभी लोगों को चतुर्मास करना चाहिए, एक टाइम केवल सुबह या शाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चाहे आप सुबह में या सुबह में खाओ या शाम को खाओ, हम तो केवल सुबह ही खाते हैं, 9 बजे खाए, 9 बजे भोजन लिया, प्रसाद लिया, फिर दूसरे दिन 9 बजे। इससे क्या होगा, एक टाइम का भोजन दूसरे किसी को मिलेगा, आपके भाग का जो भोजन है किसको मिलेगा, किसी और को तो मिलेगा ना, क्योंकि आपने नहीं खाया तो किसी और को मिलेगा, तो 4 महीना तक का जो मिलेगा आपके भाग का भोजन दूसरे को मिलेगा। इसलिए हर भक्त को, चाहे भक्त हो या न हो, सभी भक्तों को आने वाले परसों मंगलवार से जो होगा चतुर्मास प्रारंभ होगा, तो सभी लोगों को एक टाइम में भोजन करना चाहिए। तो भगवान को यही कहना चाहिए कि भगवान देखिए मैं ज्यादा देता हूँ। महाराज त्रिरात्रांते 3 रात के बाद केवल थोड़ा बोर खाते थे, फल खाते थे और थोड़ा जल पीकर केवल भजन करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
और वो भी एक पैर पर खड़े होके, लेफ्ट लेफ्ट जो दाहिनी बाजू का जो पैर है वो राइट हैंड के जो डीचर जो है ना पैर जंगा, वहां पर पैर रख के खड़े, दोनों हाथ ऐसा करके जोड़ के खड़े। तो देखिए कि ध्रुव महाराज 4.5 साल का जो बालक है वो आज इस प्रकार से तपस्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है। और भक्ति में जब दूसरा महीना आया तो यहाँ पर कहते हैं तथापि प्रवसम द्वितीय तथा मासम सशस्त्र अभोदिने तृण पर्णादि शीर्णे कृतार्भो अर्चयन विभो। कहते हैं कि दूसरे महीने में फल खाना छोड़ दिया लेकिन जो पेड़ में से जो सूखे पत्ते आ रहे ना वो केवल हाथ में आकर जितना मिला होता भोजन करके थोड़ा सा जल पीकर और भगवान का भोजन करने चाहिए। हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम भोजन करके क्या करते हैं फल थोड़ी देर आराम करो बाद में आग ही रहेगी मरने वाला, कभी कोई सोचता नहीं है। रात को हम सोते हैं तो शास्त्र में चेतन महाप्रभु बताते हैं कतर निद्रा जाओ माया पिता जी बोले आप कितने मूर्ख हो गए, आपके बाजू में कौन सोई हुई है कौन पिता जी आपके बाजू में सोई हुई है और आपको नींद कैसे आती, इसलिए आपको जग जाना चाहिए। उठ जाग मुसाफिर देना चाहिए हमारा प्रोटेक्शन क्या हमारी हम तो बती की रक्षा करते 24 घंटा कहाँ रहते सेंटर में मंदिर में ही रहते, क्योंकि घर पे रहेंगे तो अभी भी हमारा बजट ठीक से नहीं होगा लेकिन मंदिर में रहेंगे तो क्या होगा एवरी डे डेली हमारी मंगला आरती होगी, डेली पूजा होगा, डेली गुरु पूजा होगा, डेली भागवतम क्लास मिलेगा। और श्री प्रभुपाद जी कहते कि 80% हमारी भक्ति 80% भक्ति हमारी पूरी हो जाएगी 9 बजे तक पूरा इसलिए रात भर हम सोते तो हमारा जब से उठे तो हमारा शरीर कैसा होता है फ्रेश होता है ना, इसलिए कहते फ्रेश शरीर में हम जितना भजन करना है उतना कर सकते हैं लेकिन हमारा जब शरीर फ्रेश होता है तो हम टिफिन लेके क्या करते हैं काम करने जाते हैं और शाम को भी सोचेंगे चलो शाम को माला करेंगे तो शाम को शरीर क्या हो जाएगा पूरा ढीला हो जाएगा, बोला अभी तो कल करूंगा आधा बाकी कल करूंगा, तो ऐसे धीरे धीरे लोड क्या हो जाता है बढ़ता रहता है। लेकिन सबसे पहला कार्य 100 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1000 काम छोड़कर भोजन कर लो और 1,00,000 काम छोड़कर सबसे पहला नाम जप कर लो। भले आप नहाए नहीं है तो केवल हाथ पैर धोकर भी आप नाम जप कर सकते हैं भगवान का नाम, इसमें ऐसा कोई नहीं। केवल टॉयलेट गए हैं तो आपको स्नान करना चाहिए लेकिन अगर आप सोए हुए हैं और आप सोचे कि चलो बाद में हम स्नान करने की इच्छा है तो पहले हाथ पैर धोकर आप मुंह धोकर आप भगवान का नाम ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तृतीयम च कथा मासम नवमे अहनि अभक्ष उत्तम श्लोक। कहते हैं तीसरे महीने में हर 9वें दिन में इस प्रकार से पूर्ण रूप से समाधि में रहते हुए पुण्य श्लोक भगवान की पूजा करते रहे और इस प्रकार से तीसरे महीने में उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया और केवल अंजलि में हाथ में कितने पानी आए उतना ही पीने और चौथे महीने में चतुर्थम अभिनय मासम द्वादशी अहनि वायु पक्ष क्या करें, कभी कोई बोले क्या कर रहे हो बोलते हवा खा रहा बोलते हवा खाए लेकिन 12 दिन लेते ना 12 दिन तक उस वास को रोके रखे रोम महाराज हमारा
के बाद उस श्वास को छोड़े, इस प्रकार से ध्रुव महाराज एक माले का पारा भी छोड़े, कितना उचित था कितना छोड़े। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं उनकी तपस्या और भक्ति बढ़ रही है, संसार के जीवों का जैसे जैसे साल बढ़ रही हो रही है, भगवान में प्रेम कम हो रहा है, सेवा में कम हो रहा है, लेकिन धन और बिजनेस में पैसे में सब जगह पे सबकी जरूरत है, यहाँ पर पैसा मिल जाए, यहाँ पर ये मिल जाए, सब जगह पे क्या है बिजनेस हो गया है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमने सब कुछ छोड़ा है, कितना बड़ा बड़ा बिजनेस था, काम धंधा था, ये सब हमने क्यों छोड़ा है बताइए, क्यों छोड़ा है, किसकी प्राप्ति के लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। तो हो रहा है, हमारी इच्छा क्या हो रही है? धन ज्यादा कमाने की इच्छा हो रही है। तो भगवान कहते अरे तू तो पहले और कमा ही रहा था धन, तूने मुझे प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ा, फिर भी उसी जंजाल में फंस गया है, इसलिए कहते हैं माया से निकलो। भगवान के धन में कहते ना, धन में आसक्ति रह के अगर रह गई तो गुरुदेव शास्त्र कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी कहते हैं, महाराज कहते हैं कि इस संसार में भक्त की तीन चीजों में अगर आसक्ति निकल गई, तीन चीज कौन सी है? पत्नी, पुत्र और धन, इन तीन चीजों में अगर आसक्ति लग गई तो इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो हमें ये प्रतिदिन कोशिश करनी चाहिए कि मेरा पत्नी पुत्र और धन में आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाए। आसक्ति तो है लेकिन उस आसक्ति को धीरे धीरे कम करना है, और वो आसक्ति कहाँ लगानी है? भगवान में। आसक्ति तो सब जगह पे रहेगी, चाहे आप संसार में लगाओ या भगवान में लगाओ। अगर भगवान में आसक्ति लगी तो ये आपका लास्ट जीवन में है, और अगर संसार में लग गई तो और जन्म आपको लेना ही पड़ेगा गारंटी के साथ। इसलिए सतर्क रहो, कहते हैं ना वो बार बार अलर्ट करते हैं ना पार्लियामेंट से, क्या क्या बोलते हैं ये कोरोना के समय में बहुत सारी चीज बोलते हैं ना, हाथ साफ करो, सतर्क रहो, दूरी बनाए रखो, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी बार बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा स्वभाव है भूल करना, त्रुटि करना, और हम भूल जाते हैं, बोलते हैं ना मास्क पहन रखो, सब जगह पे क्यों लगाया? क्योंकि दिल का स्वभाव है भूल करना, और बार बार भूल करना, इसलिए भगवान ने वेदों में पहले से बता दिया कि भजन ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और गुरु महाराज भेजते मंदिर होते सब हमें क्यों दिया? क्योंकि हम कहीं एक हफ्ते बाद फिर भटक जाएंगे, तो गुरु शास्त्र हमें याद दिलाते हैं, जैसे हम कथा में बैठते तो तुरंत हमें ज्ञान हो जाता है, अरे मैं इस जगत का नहीं हूँ, मैं गुरु का हूँ, लेकिन मैं इस संसार में भटक रहा हूँ अभी तक, तो मुझे आज से निर्णय लेना है कि बस मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन में कर्म करना है, जैसे गोपियों ने किया, जैसे पांडवों ने किया। दुर्योधन जैसा हमारा नहीं है, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? पांडवों का जैसा होना चाहिए। हमारा स्वभाव दुर्योधन जैसा हो जाता है कभी कभी कि भगवान नहीं चाहिए लेकिन भगवान के पास से चाहिए, कि भगवान आप भले बंसी बजाते रहो, हम आपको याद करते रहेंगे, लेकिन आपके पास से जो है ना थोड़ा मनी पावर वो हमको दीजिए, थोड़ा यश दीजिए, थोड़ा धन दीजिए, थोड़ा पद दीजिए, और संसार में मैं सभी जगह पे फेमस हो जाऊं, बस ये चीज मुझे आप दीजिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गौड़ीय धारा में ये चीज आपको कभी भी नहीं मिलेगी। अगर आपको शुद्ध भक्ति चाहिए तो मैं शुद्ध दे सकता हूँ, न धनम न जन्म न, ये कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, अगर मिल भी जाए तो भी मुझे नहीं चाहिए। जैसे माधवेंद्रपुरी के पास, माधवेंद्रपुरी को उनका यश कहते हैं ना कि टोटा गोपीनाथ, क्षीर चोरा गोपीनाथ, वहां से उनका यश जगन्नाथपुरी में पहले पहुंच गया। माधवेंद्रपुरी तो सोच में पड़ गए कि यहाँ पर सब लोग मुझे बड़ा बड़ा मान रहे हैं कि मैं बड़ा भक्त हो गया हूँ, तो वहां से वो चले गए कि जगन्नाथपुरी में जाके भजन करूंगा। तो जैसे पुरी में गए, जगन्नाथपुरी में गए, उनका यश सबसे ज्यादा पहले वहां पर पहुंच गया। इसलिए शास्त्र कहता है भक्त को अमान ही ना मान, हमेशा कभी भी कोई भी हमें अगर हमें सम्मान भी देता है तो वो सब हमको भगवान को अर्पित कर देना है, और अगर कोई अपमान भी हमारा कर देता है
तो वो भी हमें पी लेना चाहिए। तो ध्रुव महाराज एक ऐसे सच्चे कहते एक बड़े बिजनेसमैन हुए, केवल 6 महीने में उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। 6 महीने में, शुरुआत में मैंने कहा था कि संसार में बड़े बड़े बिजनेसमैन है लेकिन वो क्या कमाए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस संसार में बड़ा बिजनेसमैन है तो एक 5 साल का बालक है, कि 5 साल के बालक में केवल 6 महीना ऐसा बड़ा बिजनेस किया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया कि 6 महीने में वो पूरे पृथ्वी का राजा बन गया। और 1-2 साल के नहीं लेकिन 36,000 वर्ष के लिए ध्रुव महाराज इस पूरी पृथ्वी के एक छत्र राजा बने। और इसी शरीर से सदेह, इसी शरीर से काल के सर पर पैर रखकर वो विमान में बैठकर भगवान के धाम में चले गए। तो ऐसी दिव्य लीला कथा हमें प्रतिदिन ध्रुव महाराज की है, प्रहलाद महाराज की है और अन्य अन्य भक्तों की कथाएं है, पूरी कथाओं को हमें सुनना चाहिए और प्रतिदिन हमारे घर में रहकर कीर्तन करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि जिस घर में आधा घंटा भी होगा तो वो कीर्तन हो जाएगा। दिया है गुरुदेव को भगवान को, लेकिन एक्स्ट्रा कीर्तन होगा। अगर एक्स्ट्रा ये हमको प्रतिदिन करना चाहिए। तो यहाँ पर 7:30 क्लास हो गए, यहाँ पर मेरे दीवान को विराम देता हूँ। कहने के लिए बहुत समय की सीमा में है, बदले है, तो बहुत धूमधाम कीर्तन देंगे। उसके बाद आज की इस कार्यक्रम को हम पूर्णावधि करेंगे। जय देव हरे कृष्णा हरे कृष्णा। Yeah.
राधा प्रभु की जय।